बरसात के मौसम में डीएमजी का टूर स्टार्ट हो चुका है और मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं, वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरे क्रैश हो रहा है। राइट नाउ वी आर एट डीएमजी और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बॉर्डर जो शेयर हो रहा है वो लाओस के साथ हो रहा है और 8819, 881S और ये सारे जो माउंटेन्स थे वो यूएस ने अटैक करके यहाँ से इनसे छीन लिए थे। ये लाओस से क्या कहते हैं बमबार्टिंग करते थे इन सब माउंटेन्स पे, फिर जाके इन्होंने ये सारा एरिया ले लिया था। पिक्चर्स है पुराने टाइम की, जब यूएस और वियतनाम में वार चल रहा था तब के टाइम की कुछ पिक्चर्स हैं। Vietnam, they paint yellow, the same color. Another time, in the south, they paint red, and in the north Vietnam, they paint red again. Few times, they paint the brick, another one color. It's north Vietnam, this just one country. South Vietnam, they separate it. Thank you.
ये ब्रिज साउथ वियतनाम को नॉर्थ वियतनाम में जोड़ता था। ये पीला कलर जो आप देख रहे हैं ये साउथ को रिप्रेजेंट करता था, और जो ब्लू कलर है वो क्या कहते हैं नॉर्थ वियतनाम को कनेक्ट करता था। तो 1954 के दौरान ये जो नॉर्थ वियतनाम था वो चाहता था कि साउथ वियतनाम को कनेक्ट कर लें, और आज की डेट में सब कनेक्ट है, मतलब एक 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 देश बन गए हैं। ये टनल यहाँ से स्टार्ट होती है और वहाँ जाके निकलता है बंदा। ये सारी टनल जा रही है पूरी बकायदा इसके अंदर। साउथ चाइना ओशन देख सकते हैं आप इसके साथ में, जिसको चाइना कहता है कि हमारा है, लेकिन वियतनाम, ये वियतनाम के अंडर में आता है। You can go first, alright? Mm-hmm. Go slowly. देखिए कितनी नैरो टनल है ये। और इसमें फौजी रहा करते थे और बहुत मुश्किल था यहाँ पे जीवन। देखें देख सकते हैं आप, आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा जब आप टनल में चल रहे हैं। तो कई कई जगह देखी मैं तो घबरा ही गया। कहाँ कहाँ जा रहा है ये रास्ता, देखिए कितनी सारी टनल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कहाँ जाना है। भूल भुलैया है भाई, ये तो भूल भुलैया है, ये टनल नहीं ये भूल भुलैया है। Follow this way. यहाँ पे बैठ के फौजी भाई खाना खाया करते थे। देखिए कितने क्या खतरनाक टनल है भाई। इमेजिन करिए अगर आपको इस टनल में रहना पड़ जाए एक साल, एक साल तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपको इस टनल में कोई एक हफ्ता भी रहने देने को कह दे तो मेरे ख्याल से तो आज के युग में कोई रह ना पाए इसमें। Yeah. Oh,
क्या बात ये देखिए, ये बात हुई ना, इस टनल में से आप निकले और आपको ये समुद्र की वादियां देखने को मिल रही, ये ओशन। बैठ गया, अब थोड़ा नीचे भी चलने, ऊपर से अब नीचे की तरफ चलने का सोचा हमने। ओह, keep the weapon inside. Long time got move this way. Keep the weapon over there. यहाँ पे मीटिंग होती थी तो यहाँ पे सारे जो सिपाही होते थे यहाँ पे आके बातें किया करते थे और सलाह मशवरा करते थे। This way we have to go. Or we have to return back. The ocean answer. Okay. ये रास्ता भी ओशन की तरफ चला जाएगा। अगर आपको ओशन देखना है तो आप इधर से सीधा जाएं और ओशन के देखिए गेट देखिए आपको इस पानी की आवाज आने लग गई है। सी नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। What's up, bro? Made a video for that. What's up, bro? Oh, water well. कुआं यहाँ से लोग पहले see the water for this. See, पानी देख सकते हैं यहाँ से पानी पीते थे। Bathroom देख water well bathroom. अब exit के कगार पे हम सब और अगर आप मेरा चेहरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मुश्किल है इसके अंदर चढ़ाई करना उतरना रहना कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल आसान नहीं है ये और अब मैं जस्ट मुझे अब गेट नज़र आने ही लग गया, रोशनी नज़र आ रही है। आप मेरा चेहरा देख ही सकते हैं कैसे मैं पसीने लथपथ हो गया हूँ। बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है इसके अंदर चलना, रहने की तो आप सोच भी नहीं सकते। इस गेट से मैं निकल गया हूँ। कितनी टनल है, कितना मुश्किल है भाई ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। आप यही सोचे कि यहाँ पे वियतनाम के आर्मी पर्सन कैसे रहते होंगे। बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है यार।